निर्वाचन क्षेत्र के महासभा के चुनाव प्रणाली में तमाम प्रदेशों से आए हुए सभी महिलाएं और सभी हमारे बुजुर्गण और सभी हमारे युवा साथी और मंच में बैठे हुए सभी हमारे समाज समाज के व्यक्ति और हमारे सबसे कर्मठ साथी कर्मों के साथी बहनों, मैं फिलहाल ने कुंवर अजय सिंह ने सारी बात अपनी रख दिया है। जैसा सब लोग जानते ही हैं कि समाज का काम करना बहुत आसान काम नहीं है, जो 24 घंटा दिन प्रति किसी काम को छोड़ के सिर्फ समाज का काम करता हो, उसमें अगर कोई नाम लिया जाए तो सिर्फ कुंवर अजय सिंह का नाम लिया जा सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई कार जाने तो बंद हो गई है और कार ये बहुत करना, चुनाव प्रक्रिया होनी है। मैं व्यक्तिगत विचार अपना बताता हूं कि मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम को अभी शुरुआत हुई है, अभी अंत नहीं हुआ है, इसमें से अभी कोई कमल का फूल नहीं खिला है, कीचड़ कीचड़ दिले हैं। जो संघर्ष हुआ है वो सिर्फ जगाने का काम हुआ है, चाहे महाप्रताप की पहली यात्रा रही हो 2003 की और चाहे 2012 की हम लोगों की चेतना यात्रा रही हो, और अब यात्रा हमारे जो देवेंद्र से शुरू हुई है, हमारे महाप्रताप के बंसल राव बैठे हुए हैं, हम लोग 3 मंथल शिविर इनके किले में कर चुके, चित्तौड़ में जाके मंथल शिविर किया और कभी राज परिवार को बुलाया गया, उसमें महाराज मेहता साहब थी, उदयपुर से उनकी अनुमति ली गई और सब सफर से चुना गया कि भाई आप लोगों का आपके परिवार का चित्र और आपके परिवार का नाम लेके हम लोग सब एक घूम रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा रखा जाए कि महाप्रताप के परिवार से आप उनके वंशज हैं, आप इस यात्रा में लेकर के और हम लोग के साथ इस यात्रा को आगे चलाया जाए, जिससे लोगों को जन जागरण पैदा होगा और लोगों की एक भावना बनेगी कि भाई कम से कम एक हमारा उस खानदान जिसकी हम लोग पूजा करते हैं उसके परिवार का एक व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है, तो हम लोग को निश्चित बात है युवा पीढ़ी में भी हमारा जोश बढ़ेगा और निश्चित आगे बढ़ने का काम होगा। इसके लिए भाई अनूप सिंह भी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हमारे दोनों शिविर में गए बैठ के बातें हुई, बीएन सिंह जी हमारे साथ थे, कैप्टन बठानिया जी थे, कैप्टन विक्रम सिंह थे, राजेंद्र दरुका जी थे, तमाम लोग गए, करीब 40 लोग यहाँ से गए और दो दो बार गए वहाँ, एक हफ्ते का शिविर लगा, हमारे स्वामी जी भी उसमें साथ में शिविर में थे, जो निश्चित तय हुआ है और वो जिम्मेदारी का समझता हूँ कि कुंवर अजय सिंह से बेहतर कोई नहीं निभा पाएगा, ये मेरे अपने विचारधारा व्यक्तिगत। तो मैं चाहता हूँ कि कार्यकारिणी इनके काम को देखते हुए और दोबारा विचार करें कि कुंवर अजय सिंह को दोबारा मौका दिया जाए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जय शासन, जय शासन।